क्वेश्चन था ओके और सीआई के कैलकुलेटिव से थोड़ा कितने क्वेश्चन थे दो क्वेश्चन मतलब ओवरऑल सीआई कैलकुलेटेड आ रहा है। अब यदि सिंप्लीफिकेशन में तो बता दिया नंबर सिस्टम से कुछ था नंबर सिस्टम से कोई क्वेश्चन नहीं था टाइम एंड वर्क टाइम एंड टेस्टिंग इनसे हाँ, कुछ एक क्वेश्चन टाइम एंड वर्क था एक क्वेश्चन था दो क्वेश्चन थे। अब यदि बात किया तो मैथमेटिक्स आपने किए कितने 85 के बीच में। अब यदि बात करें तो मैथ में सबसे कैलकुलेटेड क्या है सिंप्लीफिकेशन था बस और सीआई के भी क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन और सीआई में थोड़ी सी प्रॉब्लम कैलकुलेटेड थे। अब यदि बात की जाए तो रीजनिंग में कोई ऐसा टॉपिक जो अच्छा खासा कैलकुलेटेड आया और प्रॉब्लम की होती नहीं कोई नहीं था मतलब आसान थी रीजनिंग। यदि जीएस की बात करें तो जीएस के किस टॉपिक ने प्रॉब्लम करी पेपर में जीएस पे एक हिस्ट्री का क्वेश्चन था वो थोड़ा आउट ऑफ लग रहा था क्या था मुगल उगल से कुछ पूछा गया था कुछ नहीं मॉडर्न इंडिया में गांधी युग से कुछ पूछा गया था कुछ नहीं। अब करंट अफेयर में 2020-21 कितने क्वेश्चन थे चार क्वेश्चन तो भाई करंट अफेयर के चार क्वेश्चन आए हैं। अब आर्टिकल की बात करें मतलब संविधान से कितने क्वेश्चन कोई नहीं इकोनॉमिक्स से क्या आया कुछ नहीं आया साइंस से कितने क्वेश्चन आए कितने किए आपने सर एक क्वेश्चन आया था कितने क्वेश्चन किए 98 भाई ने 98 क्वेश्चन करें आप बताओ कौन सा क्वेश्चन आया सर एक क्वेश्चन आया था कि जैसे कि ट्रेन मतलब उतनी ही चाल एक घंटे मतलब 60 मिनट का बता रहा हूँ 60 मिनट से चले ही तो वहाँ पे मतलब ऑप्शन में मिनट छोड़कर भी घंटा लिख दिया एक घंटा तो बिहार की लिटरेसी रेट कितनी बिहार की लिटरेसी 2011 की पूछी गई थी। और यदि करंट अफेयर में बात करी जाए 2021 की तो ओलंपिक से पैरालंपिक से कुछ पूछा नहीं क्रिकेट से कुछ पूछा गया 5000 रन बनाने वाला पहला 5000 रन बनाने वाला पहला पूछा गया आईपीएल का। अब यदि बात की जाए कि ओवरऑल साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से इनसे कुछ पूछा गया केमिस्ट्री का क्वेश्चन याद है केमिकल रिएक्शन अच्छा केमिकल रिएक्शन से कुछ पूछा गया था। ओवरऑल पेपर की बात करें आगे यदि किसी का पेपर है उसके लिए कोई सजेशन मैथ में मतलब कि करंट वगैरह करके जो वगैरह का इतना और आईपीसी एक्ट वगैरह नहीं आ रहा है कुल मिला के बस ये है कि आप कैलकुलेशन अच्छा खासा तैयार करके हैं और टेक्स्ट बुक की आप एसटी प्रीवियस ईयर के सॉल्व कर ले ठीक है और जीएस का कोई सरा धरा नहीं स्टार्टिंग 16 तारीख से पेपर जो आ रहा है जीएस उल्टी सीधी आ रही तो आप जीएस में ज्यादा टेंशन न लें 2020 की करंट अफेयर अच्छी से तैयार कर गए हैं थोड़ा बहुत 21 का अप्रैल तक का पड़ गए हैं ठीक है और आपका पेपर बस टाइम का मैनेजमेंट करना है और आराम से पेपर करना तुक्का नहीं मारना आप बताओ भाई कितने किए मैंने बताया तो 70 किए आपने कितने करे 89 कुछ भाई लोगों ने 89 और 78 क्वेश्चन करे। अब यदि बात की जाए तो मैथमेटिक्स का लेवल कैसा रहा नॉर्मल सही है एकदम टॉप है बट थोड़ा जी मैथ की वो थोड़ी कैलकुलेटिव थी मतलब अगर डायरेक्ट थोड़ी स्पीड होती तो पूरा क्वेश्चन कर लेती है कुल मिला के बाद एक ही चीज है मैथ में कैलकुलेशन आया हुआ है किस टॉपिक से ज्यादा कैलकुलेशन था सिंप्लीफिकेशन प्रॉफिट एंड लॉस एस प्रॉफिट दो क्वेश्चन सीआईएसआई के थे मतलब वो नॉर्मल थे बहुत अच्छा आराम तो कुल मिला के आज जो सीआईएसआई के क्वेश्चन आए वो नॉर्मल आए पहले की अपेक्षा पहले कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा रहता था। अब यदि बात की जाए हिंदी तो हिंदी कैसी हिंदी तो नॉर्मल में पढ़ के भी नहीं आया था हिंदी अच्छा 25 में तो करीब मैं 22 में 22 सबसे 22 में पक्के करके आया हूँ तो भाई आप सबसे ज्यादा पेपर में हिंदी पे फोकस करें क्योंकि हिंदी इजी आ रही है आपको पूरे ये रखना है ऐसे तैयारी करके आना है कि 25 में 25 आराम से हो जाए। अब रीजनिंग की बात करें तो एवरेज बंदा होगा लगभग कितना अटेम्प्ट करके आया होगा रीजनिंग में 20 तो भाई रीजनिंग का कोई ऐसा टॉपिक जो कैलकुलेटेड आया हो कैलकुलेट नहीं थे लेकिन कोडिंग डिकोडिंग से 3 से 4 क्वेश्चन थे कैलकुलेटेड थे ठीक है इजी थे मतलब आराम तो भाई रीजनिंग भी ये कह सकते हैं इजी टू मॉडरेट लेवल में आई है। अब जीएस की ब्लड रिलेशन अच्छा दो ब्लड रिलेशन थे जीएस ज्यादा पुरानी जीएस में करंट अफेयर के तो बता दिए 3-4 क्वेश्चन थे 2020 के थे 2020 के। अब यदि बात करी जाए जैसे वो विविध दिया होता लूसेंड में उससे कुछ आया था नहीं, पहला छोटा बड़ा नहीं 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 कुछ नहीं तो ओवरऑल भाई देखो पेपर शुरुआत से अंत तक खेलते भी कुछ नहीं है पेपर स्टार्टिंग से अंत तक एक ही लेवल का आ रहा है तो आप बिना टेंशन के आप आए पेपर देने और बस हिंदी को अच्छे से प्रिपेयर करें करंट अफेयर 2020 और 21 के तैयार करें और पेपर को आराम से दें कोई दिक्कत नहीं होगी और टाइम का मैनेजमेंट आपको बस अच्छे से करना है ठीक है। तो बस वीडियो को लाइक करते रहें कमेंट करते रहें और शेयर करते रहें चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर योर टाइम।